तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, शेयर्स एंड डिविडेंड। आज इसमें हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ। तो इसमें जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज 3 है एंड 3 भी ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, इसमें हम टेस्ट योर सेल्फ देखेंगे। टेस्ट योर सेल्फ के एमसीक्यूज की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखेंगे भाई, एमसीक्यूज वही हमारे बेस्ड हैं फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज के ही बेसिस पर। तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट हम एमसीक्यू, और इन सभी का लिंक आपको हमारे जो चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट है उसी में ही आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो न्यू लेक्चर आपको मिलेंगे। तो अब इसमें देखेंगे हम टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास। तो इसमें बोल रहा है कि ए कंपनी पेज 18% डिविडेंड एंड इट्स 100 रुपीज शेयर इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मीन्स 100 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम, इसका 20%, 100 का 20% 20 होता है तो भी 120 का मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स बोट फॉर 7200, नंबर ऑफ शेयर्स बताने कितने खरीद सकते हो आप 7200 में। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसे किससे डिवाइड करोगे, मार्केट वैल्यू। लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू होगी इसकी 120। 20% प्रीमियम पर मिल रहा है, 120 होगी, कैंसिल कर लो आप, 12 6 कितने होते हैं 72, तो 60 शेयर्स ही हो गया इसका थर्ड आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा। ऐसे हम इसमें देखेंगे बी, बी वाले में कह रहा है कि 100 रुपीज शेयर्स, ये कह रहा है कि भी 100 रुपीज के ही शेयर हैं जिस पर 10% डिविडेंड मिल रहा है और बोट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। मीन्स ये कितने का मिल रहा है अभी, 100 वाला शेयर ये मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मीन्स 80 का मिलेगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो 20 अगर माइनस करेंगे इसमें तो 100 का मिलेगा, मीन्स इसकी नॉमिनल वैल्यू और इसकी मार्केट वैल्यू, 100 ही शेयर्स हैं हमारे पास। और फिर ये कह रहा है कि बोट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अनदर 100 शेयर्स, 100 रुपीज शेयर पेइंग 10% डिविडेंड, ये भी 10% डिविडेंड दे रहा है, और बोट एट 120, ये 120 के हैं। लेकिन देखो ये भी हमारे पास 10% डिविडेंड दे रहा है रेट ऑफ डिविडेंड, और ये भी 10% क्या दे रहा है रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि टोटल डिविडेंड अर्न, तो देखो यहाँ से अगर हम डिविडेंड निकालें भी कितना अर्न किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने 100, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने 100, ओके, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने 100, दोनों में 100 शेयर्स हैं। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 10% डिवाइड बाय 100 करेंगे, और नॉमिनल वैल्यू क्या है 100, कैंसिल कर लो आप, यहाँ से कितना आ रहा है 1000। ऐसे अगर हम यहाँ से भी फाइंड करें, देखो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर भी हमारा 100 है सेकंड वाली कंडीशन में, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर भी हमारा 10 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 100, यहाँ पर भी देखो नॉमिनल वैल्यू 100, तो 100 लेंगे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, ओके, सॉरी ये जाएगा हमारा डिविडेंड। तो 100, 1000 एंड 1000 ये हो जाएगा हमारा टोटल 2000, दोनों ही केसेस में इसने कितना अर्न किया है, टोटल डिविडेंड है 2000। तो बी में भी हमारा कितना है, सेकंड आंसर है इसका, बी का सेकंड आंसर है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। अब हम देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट इसका, कह रहा है कि द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 80 शेयर्स, 80 शेयर्स खरीदने आपको ईच ऑफ 60 रुपीज, 60 का एक शेयर, लेकिन कितने रुपये मिल रहा है वो 70 का। तो भाई हमें नंबर ऑफ शेयर्स खरीद क्या करना है, मनी पता करने की भी कितनी इन्वेस्टमेंट, तो भी 80 शेयर्स खरीदने कितने का एक हमें मिलेगा 70 का, तो भी 80 × 70 कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। सिंपल फर्स्ट इसका आंसर होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5600 होगा इसका आंसर, क्योंकि 80 शेयर्स खरीदने एक शेयर 70 का मिल रहा है, तो कितने का हो गया 8 × 7 = 56 और 200 लगा दो 5600। सिंपल डी में 20,000 इज स्पेंड इन बाइंग 50 रुपीज शेयर, 20,000 अगर कोई इन्वेस्ट करता है 50 रुपीज़ के शेयर विद डिविडेंड 5%, इस पर 5% डिविडेंड मिलता है, द डिविडेंड अर्न, तो ये कितना डिविडेंड अर्न करेगा ये बता दो बस आप, कितना डिविडेंड अर्न करेगा ये। तो भी डिविडेंड अर्न करने के लिए हम क्या निकालेंगे, अभी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, लेकिन ये तो 20,000 इसकी स्पेंड है बाइंग 50 रुपीज़ शेयर्स। अब 50 रुपीज़ शेयर्स अगर इसने बोला नहीं है कि भाई वो उसकी मार्केट वैल्यू पर कितने पर मिल रहा है, डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर, तो यही इसकी मार्केट वैल्यू लेंगे हम सिंपल। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर क्या निकालें, इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर डिविडेंड निकालें हम, तो कितना मिलेगा हमें डिविडेंड डी वाले में, यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 20,000 को 50 से, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी कितने लेंगे 50, क्योंकि यहाँ पर कोई अदर वैल्यू बताई भी नहीं गई है। 5% डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड 5% डिवाइड बाई 100 एंड 50 ही यहाँ पर क्या होगा हमारा 50, इसकी नॉमिनल वैल्यू भी होगी। कैंसिल कर देते हैं हम जो भी कैंसिल हो रहा है, देखो 50 से तो 50 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 20 से 20 कंप्लीट कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 × 2 = 10 होगा, तो यह आएगा हमारा 1000, तो 1000 इसे क्या मिल रहा है भाई, 1000 क्या मिलेगा इसको डिविडेंड मिलेगा, तो इसमें होगा हमारा
फर्स्ट आंसर सिंपल है ये हमारा, इसका फर्स्ट आंसर होगा डी में। अब देखते हैं अगर हम इसका लास्ट ई पार्ट, लास्ट ई पार्ट में क्या होगा इसमें, तो लास्ट ई पार्ट में ईच ऑफ 500 रुपीज शेयर इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। 500 रुपीज का शेयर है अवेलेबल किस पर हो रहा है हमारा, 100 रुपीज पर, समझ रहे हो आप। 500 का अगर शेयर कितने पर अवेलेबल है, 100 रुपीज डिस्काउंट पर अवेलेबल है, मीन्स वो किस पर मिलेगा आपको, 400 का मिलेगा। ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी और ये इसकी नॉमिनल वैल्यू, समझ रहे हो आप। इफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज, अगर डिविडेंड, अगर इन क्या कह रहा है कि इफ द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स, अगर इन शेयर्स पर डिविडेंड 8% मिल रहा है, देन इनकम परसेंट, वही हम इसमें रिलेशन लगाएंगे, डिविडेंड कितना मिल रहा है हमें, 8% मिल रहा है, आप बताओ इसका रिटर्न परसेंट या फिर क्या कह सकता है ये इनकम परसेंट, ये जो भी बोल देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट से रिटर्न परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और इनकम परसेंट, इसीलिए डिफरेंशिएट है, मतलब डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि भी मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। तो बस इसमें लगाएंगे रिलेशन, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू एंड प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू, ये करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8 एंड नॉमिनल वैल्यू 500, रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनटू मार्केट वैल्यू हो जाएगी 400, आप इसको डिवाइड कर लो, देखो 20 से 20 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 5 2 10, तो 10 क्या हो जाएगा हमारा इनकम परसेंट बोल दो इसको, ठीक है, रेट ऑफ इनकम बोल दो या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर इनकम परसेंट, सभी चीज़ें सेम है, रिटर्न परसेंट, ये हो जाएगा हमारा 10%। ओके, ये इसमें करना था इसका ई पार्ट है, तो इसका 10% हो गया सिंपल। तो ये क्वेश्चन है हमारे, सिंपल ये इसके MCQs हैं। तो देखो अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ओल्ड लेक्चर 3C, जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें 3C थी एक्सरसाइज, जो ये टेस्ट ईयर सेल्फ डाली गई है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, तो इसको उस लेक्चर को आप देखना और अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना आपका क्वेश्चन कौन सा है, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भी इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसमें जो ओल्ड लेक्चर है उसमें ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिमूव भी कर दिए गए हैं यहाँ से, इसलिए आप उस लेक्चर की हेल्प से इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो सिंपली आप उस पर देखिए उस लेक्चर को और अच्छे से अपना कंप्लीट करिए सिलेबस और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।